कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे थे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस मेंटेन करना, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में। आप सभी ने देखा था और हमारा बैलेंस शीट पूरा पूरा कितने का आ गया था, 34 लाख रुपए का देख सकते हैं। और जो डिफरेंस बैलेंस आ रहा था 3-20 का, वो भी कवर हो चुका है। वो कहाँ पहुंच गया है, क्लोजिंग स्टॉक के सामने। अच्छा, अगर हमें चेक करना हो कि हमने जो स्टॉक बनाया किसी का ज्यादा आ गया होगा, किसी का कम हो गया, दिक्कत आया होगा कई लोग का, कई लोग 3 लाख भी एग्जैक्ट नहीं आया होगा, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। उनको कैसे चेक करेंगे, वो आ जाएंगे स्टॉक समरी। जब स्टॉक समरी में आएंगे और यहाँ अल्टी एफ1 दबाएंगे तो यहाँ पूरा डिटेल दिख जाएगा कि कौन के लिए कितना बनाया है और टोटल बैलेंस कितना रहा है। कितना टोटल बैलेंस आया, 3-20 आया, ऐसे आया 3-20, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए, ये सब ग्रुप है, ईयरफोन, हेडफोन, आईफोन, स्मार्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में 3 आइटम है, स्मार्टफोन में 3 आइटम है, आईफोन में 1 आइटम है, हेडफोन में 1 आइटम है, ईयरफोन में 1 आइटम है। समझ रहे ना बात को। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर, लेसन 6, जिसका नाम है वाउचर। क्या नाम है उसका, वाउचर नाम है। क्या नाम है, वाउचर। फिर से मैं आपको पुराने दिन याद दिलाना चाहूंगा, जो गोल्डन रूल आप लोगों को पढ़ाता था मैं, याद आ रहा है ना। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, 3 टाइप के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल कहता है कि अगर रिसीवर है तो उसे डेबिट करेंगे और अगर गिवर है तो उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम डेबिट करेंगे, व्हाट गोज क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल कहता है कि सारे ही एक्सपेंसेस या लॉस को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट हुआ या इनकम हुआ तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल है, याद करिए। वाउचर क्या होते हैं, वाउचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। कोई पूछेगा वाउचर क्या होते हैं, बताइएगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं वही क्या कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं। वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर वाउचर के लिए मतलब हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक एक वाउचर बनाया गया। जैसे किसी को आप पैसा दे रहे हैं, कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। किसी से पैसा पा रहे हैं तो कौन सा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। हाँ, कोई सामान खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, कोई सामान बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर। हाँ, तो ऐसे सारे वाउचर्स बने हुए, तो हम एक ही करके पढ़ेंगे। इसमें वाउचर की शॉर्टकट की वगैरह भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जो डेबिट नोट दिया है इसका लिख लीजिएगा अल्ट प्लस F5 होता है, कंट्रोल F9 नहीं होगा, अल्ट प्लस F5 होगा। ये जो लिखा हुआ है वो टैली ERP 9 का लिख दिया गया है, थोड़ा सा मिसमेरिट हो गया है, आप लोग करें अल्ट प्लस F5। कौन कौन सा हाईलाइट किए हैं सर? हाँ, और अल्ट प्लस F5। और इसी तरह क्रेडिट नोट का भी कर लीजिएगा अल्ट F6, अल्ट F6। बाकी सब सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको हमेशा बिजनेस के नजरिए से सोचना है, तो अगर आप एज ए मालिक, एज ए ऑनर, आप अपने व्यापार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं और ये आपका बिजनेस है, और आप अपने बिजनेस में एज ए कैपिटल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता ही है दो अकाउंट बनाते हैं, कैश का और याद आ रहा है ना, और कैपिटल का। जो हम लोग कैपिटल नहीं बनाते हैं इन कंपनी में, प्रोप्राइटरी कैपिटल बनाते हैं, याद आ रहा है ना। ठीक है, तो दो ही खाता बनता है, लेकिन खाता बनने के बाद होगी किस वाउचर में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर बिजनेस के हिसाब से सोचें तो बिजनेस में चीजें आ रही कि जा रही हैं, आ रही है बिजनेस में, आ रही है ना, और आने को रिसिप्ट कहते हैं। आने को क्या करते हैं, यानी जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसा आएगा जिसमें बिजनेस स्टार्ट होने की बात की गई है या एज ए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया गया है, वो यानी कि बिजनेस में वो चीजें प्राप्त हो रही है, रिसीव हो रही है, इसीलिए ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है बिजनेस सिनारियो। बिजनेस सिनारियो में एक बातें कही गई है, सुन लीजिएगा ध्यान से। कहा है मिस्टर मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस, यानी पुष्कर सर ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। किस नाम से, गायत्री मोबाइल के नाम, किस नाम से। और उन्होंने एज ए कैपिटल के रूप में 20 लाख रुपया लगाया है, पूंजी लगाई है ना, तो पूंजी लगाने का तो बिजनेस स्टार्ट होना तभी ना, यानी कैश और कैपिटल का लेजर बनेगा, कैश का लेजर बनेगा, कैपिटल का बनेगा। कौन क्रेडिट होगा, कौन डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। तो बात कॉपी में तो हम लोग बना लेते थे, वहां वाउचर की बात नहीं होती थी, लेकिन अब तो किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना,
ऋषि वरा के पेमेंट हो रहा है, इसे किस अवसर में एंट्री करेंगे? और ये पैसा कैश के रूप में नहीं आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है क्या? कैसे पता है नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं कह दिया हूँ। हाँ तो मैं ये भी तो बताया था कि चेक भी तो नहीं लिखा हुआ है, ये भी तो बताया था जब तक चेक नहीं आया तब तक चेक की बात ही नहीं होगी, यानी कैश ही होगा ना। कंफ्यूज हो गया आप लोग 2 मिनट में। या तो क्वेश्चन में पूरा देगा तो बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा दो ही बनता है, कैश और कैपिटल। कभी कभी ऐसा होता है कैश की जगह चेक ले लेगा, चेक यानी बैंक ले लेगा, तो वैसी बातें होनी चाहिए। जब कोई जिक्र नहीं है तो कैसे नहीं एज्यूम करेंगे? हाँ ठीक, तो कहा गया है चलिए इस ट्रांजेक्शन को एंट्री किया जाए। खुद के लिए आपको आ जाना है, आज कुछ नया करना है। कहाँ जाना है? वाउचर में। कहाँ जाना है? वाउचर। और देखिए यहाँ कौन सा वाउचर खुला हुआ है, और आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना है। और रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टर की देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कंट्रा का लिखा हुआ है, पेमेंट का लिखा हुआ है, जर्नल का लिखा हुआ है, सेल्स का लिखा हुआ है, परचेज का लिखा हुआ है, सब याद कर लीजिएगा। तो हमको कहाँ जाना है? रिसिप्ट में। या तो इसमें क्लिक कर दीजिए या F6 दबा दीजिए। देखिए आप यहाँ क्या लिख दिया, पहले लेंगे प्रोपराइटर कैपिटल, को लेंगे प्रोपराइटर कैपिटल कितना लाख? 20 लाख। इंटर। और डेबिट कौन हो जाएगा? कैसे? गया, इंटर कर दे। हो गया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। और ये ट्रांजेक्शन दिखेगा कहाँ? बाहर आइए, आइए कहाँ पे? टेबुक में देखिए, यहाँ रिसीव वाउचर में एक क्वेश्चन दिख रहा है। कितनी काउंटिंग दिखा रही है? जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे वो कहाँ दिखेगा? टेबुक। कितने ट्रांजेक्शन पास किए गए हैं? एक। किस वाउचर में किया गया है? लिख रहा है कि नहीं? कितने का किया गया है? बता रहा कि नहीं बता रहा? ऐसे करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला दिया है, पहला क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं। डबल एंट्री सिंगल एंट्री मोड का मतलब क्या है? वाउचर में आइए, देखिएगा कि जो क्रेडिट डेबिट वाली बात आ रही है ये कौन सा मोड है? डबल एंट्री मोड। और सिंगल एंट्री मोड मतलब कंट्रोल एच दबा दीजिए, या तो कंट्रोल एच दबा दीजिए या नहीं समझ में आएगा, जरूरी नहीं शॉर्टकट की याद ही रहे। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्लिक कर लीजिए। कौन सा मोड ले लीजिए? सिंगल। सिंगल है तो क्रेडिट डेबिट वाला नहीं आए, क्रेडिट डेबिट वाला नहीं आएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा क्योंकि आप लोग अभी नए नए हैं। तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा? अगर क्रेडिट ई वाला मोड आ जाएगा तो परेशान नहीं होना। यहाँ क्या ले लेंगे? यहाँ कैश ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे? कैश। और यहाँ ले लेंगे क्या? प्रोप्राइटरी कैपिटल। और अमाउंट ले लेंगे, देखो अपने आप लिख लिया, कैश को डेबिट किया कि नहीं किया है, और इसको क्रेडिट कर दिया कि नहीं करते। तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम डबल एंट्री मोड में किए हैं क्योंकि हम डबल एंट्री मोड में ज्यादा कंफर्टेबल है। आप लोग इसमें कंफर्टेबल है? सिंगल की डबल? हाँ पता नहीं, तो तो दोनों तो करके दिखाए हैं, बेस्ट कौन लगा है? दोनों बेस्ट लगे, तुमसे यही उम्मीद थी इसी जवाब की। चलिए आगे देखिए। संगति गलत हो जाती है तो ऐसे ही होते हैं चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एज एन 2 अप्रैल सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। अब यहाँ बेचने की बात आ गई है तो लोगों के दिमाग में तुरंत पता है क्या जाता है कि बेचना है तो सेल्स वाउचर में। पहले देखिए बेचा क्या गया है, न्यूज़पेपर बेचा गया है, और उससे बेच के 245 रुपये कमाया गया है। कमाया गया तो पैसा आया होगा, गया होगा, यानी रिसिप्ट वाउचर, समझ रहे ना? और पुरानी चीजें बेचे हैं ना, कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं, पुरानी रद्दी में पड़ी थी न्यूज़पेपर बेच दिया आपने। अगर नॉर्मल होता तो सेल्स में एंट्री किया जाता, तो पुरानी चीजें जब भी बेचते हैं और उससे कुछ हम इनकम होती है तो हम एक लेजर बनाते हैं सन्ड्री इनकम के नाम से। किस नाम से? संडे। जब भी पुरानी चीजों से वेस्टेज मटेरियल से आपको इनकम हो रही है तो आप बनाएंगे सन्ड्री इनकम, और उसका अंडर ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम, क्योंकि इनकम नाम में ही पता चल जाएगा सन्ड्री इनकम, तो अंडर ग्रुप भी इनकम है होगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाए। तो एक लेजर बनाना होगा सन्ड्री इनकम के नाम से, बाकी कैश तो रहता ही है, और इस क्वेश्चन को करेंगे।
तो क्या किया गया है, पुराना अखबार बेच के 245 रुपये अर्न किया गया है, यानी बिजनेस में 245 आया कि गया है, आया है तो रिसिप्ट हुआ है ना, किस वाउचर पे काम करेंगे, रिसिप्ट वाउचर पे ही करेंगे। ठीक है, तो वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एच से मोड चेंज कर लीजिए, डबल एंट्री मोड कर लिया और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका क्या, अल्ट सी करेंगे। अब देखो एक और चीज, अब लेजर बनाना पड़ेगा ना, तो लेजर बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, स्केप से बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं क्रिएट में जाते हैं, हाँ इंटर करते हैं लेजर में जाते हैं इंटर करते हैं, तो ये खुल के आ गया, लिख दिया यहाँ पे लेजर क्रिएशन लिख दिया है, कारा बनाइए। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो अब हमको पीछे नहीं आना, जहाँ है वहीं पे अल्ट सी दबा देंगे, न्यू लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट सी। देखिए वहीं पहुंचे हैं क्या, उसी जगह पे लेजर क्रिएशन पहुंचे हैं। तो जो चीज बनाना, चाहे आइटम बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, कैटेगरी बनाना हो, यूनिट बनाना हो, जो भी बनाना हो, जहां पर रहेंगे वहीं अल्ट सी दबा दीजिए, वहीं का चीज हो जाएगा और काम कर पाएंगे। हो गया वो दिक्कत, वो दिक्कत देखो क्या हुआ बाबू, एक बार और बता दे, ये ट्रांजेक्शन करना है ना, तो संडे इनकम का लेजर बनाना है, बना तो है नहीं, बना होता तो उठा लेते आराम से, तो यहाँ अब बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए लोग बाहर जाते हैं क्रिएट करते हैं, हम यहीं से अल्ट सी दबा देंगे क्रिएट हो जाएगा। अब किस नाम से बनाएंगे, संडे इनकम। अब आप लोगों को बैलेंस शीट मैच कराने की जरूरत पड़ेगी हमेशा हमेशा, तो रोजाना बैलेंस शीट कहिएगा सर बैलेंस शीट दिखा दीजिए, बैलेंस शीट दिखा दीजिए। ठीक है, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए और कुछ करिएगा मत। कितने का हुआ है, 245 रुपये इंटर करेंगे, डेबिट कौन होगा, जो आया है वो डेबिट हो जाएगा, बस इंटर करके क्या कर लेगा। अच्छा पहले क्या बताए थे, यही ना बताए थे, अच्छा ठीक है जी, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। की बात ना, तो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आज का लास्ट क्वेश्चन, एक और अब ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, कहा है कई लोग गलत से, सबसे भी इंपॉर्टेंट होता है बाबू क्वेश्चन को पढ़ना, उसे ट्रांसलेट करना, समझना और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे ये चीज, बाकी अकाउंटिंग में कुछ नहीं एकदम लो है, अगर आप सही से पढ़ लिए तो। नहीं करेंगे तो फिर कोई भी चीज, जब देखो कोई चीज तब तक ही टफ लगती है जब तक कि आपने उस पे एनालिसिस अच्छा नहीं है, आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, पकड़ कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से, पढ़ने से, ट्रांसलेट करने से। अब क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ रिसीव हुआ इंटरेस्ट, यानी क्या मिला है आपको, ब्याज मिला है, पहला खाता तो यही बन गया, और ब्याज किस रूप में मिला है, कैश नहीं मिला है, खाते में मिला है, तो हमारा बैंक हो गया दूसरा, अब बैंक पाने वाला देने वाला है, पाने वाला है, तो पाने वाला डेबिट क्रेडिट, तो बैंक को डेबिट कर दिए और क्या क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक खाता बनाएंगे, क्या इंटरेस्ट रिसिप्ट का खाता बना है, तो यहाँ क्या दबाएंगे, अल्ट सी दबा देंगे और यहाँ बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटर करेंगे, ये भी इंटरेस्ट इनकम ही होगा ना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने का हुआ है, 1500 रुपये, सामने देखिए क्रेडिट हो गया और डेबिट क्या हो जाएगा, SBI कौन सा अकाउंट, देखो तो देखो किस नाम से हम लोग बनाए हैं, ये नहीं लगिएगा लेजर बनाने, आप लोग बनाए हैं दो खाता SBI का बनाया है, एक OD का बनाया है और एक करेंट का बनाया है, तो करेंट वाला लेके ही चलना है आपको, जब ओडी लिखेगा तो ओडी ले लीजिएगा, और नहीं तो अदर वर्क कंडीशन में क्या लेके चलिएगा, करंट, बाकी कंडीशन में ओडी उस तरह करंट अकाउंट लेके चलेंगे। हाँ हेलो, तो क्या किया गया यहाँ पे, SBI कौन सा बैंक लेंगे बाबू, जब भी केवल SBI जाएगा तो करंट वाला लीजिएगा, और जब ओडी जाएगा तो ओडी ले लीजिएगा, समझ गए ना आप लोग,
ये नहीं बनाने लगिएगा, बनाइएगा मत, कोई एसबीआई का खाता नहीं बनाएगा। ऑलरेडी आप लोग करेंट अकाउंट एट एसबीआई इसी नाम से आप लोग बनाया है, बस एसबीआई लिखिएगा, पहले नंबर कोई आएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा 1500 रुपये। इंटर करेंगे, चेक नंबर इंस्टेंट नंबर वगैरह मांगेगा, अगर दिया नहीं होगा, वैसे कुछ भी नहीं दिया होगा, नहीं दिया ना क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में नॉर्मली बात की गई है, कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, तो आप क्या करेंगे, इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे बस। तो बताइए कल हमारे बैलेंस शीट का बैलेंस कितना था, 34 लाख, अभी स्टार्ट किए तो भी कितना था, 34 लाख। क्या हमारे बैलेंस में कोई परिवर्तन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, हाँ हुआ होगा, कैसे हो जाएगा। ठीक हाँ है, हाँ ठीक, अप्रैल अप्रैल का ऐड होगा, कितना बैलेंस हो गया होगा इस टाइम, अभिनंदन। इधर देखो, इधर कितना बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस में अगर परिवर्तन आएगा कितने का अंतर आएगा। पहली बात, अब तक हमारा बैलेंस 34 लाख था, 20 लाख का कैपिटल जुड़ा है, यानी पूंजी और बढ़ी है आपकी, 54 लाख हो गई, फिर 1500 रुपया ब्याज मिला है और 245 रुपया इनकम हुआ है पुरानी चीज की वजह से, यानी 54,1745 रुपया हो गया होगा, यानी जुड़ा होगा, क्योंकि सारी चीजें रिसिप्ट हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, प्राप्त होंगी तो जुड़ती जाएंगी। देख लीजिए 54,1745 रुपया, अरे यार क्या दबरा बात, बैलेंस शीट दबाना है, 54,1745 रुपया सही है, ये सब चीजें आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही है, पता नहीं, पता है क्या दिमाग में चल रहा है, इसीलिए पता है आपको। तो देखिए इसीलिए ये करंट पीरियड में आ गया 17,45 रुपया, जो 1500 आपको मिला है ब्याज और 245 जो इनकम हुई है लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में आके आ गया, अल्टी अकाउंट से एक्सपेंड करके देख लीजिए। तो सबका बैलेंस कितना आना चाहिए यार, नोट कर लीजिए और रोजाना पूछते रहिएगा, हर ट्रांजेक्शन, रोजाना ट्रांजेक्शन के बाद जब क्लास ओवर होगी तो एक बार बैलेंस शीट का बैलेंस और बता दीजिए, जरूर पूछेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं होगी, और आपका भी इतना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तुरंत मुझसे मिलिए, सही कराइए, और गलती नहीं करेंगे, अगर लॉजिकली और नियमता काम करेंगे तो एक भी बैलेंस गड़बड़ नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ, और गड़बड़ हो जाएगा तो मालूम कितना बैठ के कोई सही करवाएगा, समझ आ गई बात ना। तो जो कल बनाए थे आप लोग बैंक का अकाउंट किस नाम से बना था ना, करंट वाला, तो 2,25,000 डाले थे ना, कितने लाख 25 डाले थे, 2,25 डाले थे, याद आ रहा ना, जब बैलेंस शीट बनाए थे 2,25,000, तो आज उसमें पैसा आया है, 1500 आया नहीं है, इंटर करिए बढ़ गया होगा बैलेंस, 2,26 हो गए कि नहीं हो गए, 2,25 में 1,000 जुड़ गया, 26 और 500 और ही, 2,26 5,000, 2,25 में 1500 जोड़ दो, 2,26 नहीं हो गया, बैलेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया, अरे मैं आराम आराम से जोड़ रहा हूँ, पहले 1,000 जोड़ दो, और तुम अब सबका दिमाग हो एक तरह नहीं होगा, हमारे तरह सब लोग मल्टी टैलेंट हो जाएंगे तो बताइए कहाँ रह जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो सबको यहाँ तक आज क्वेश्चन करना है, इसके बाद भी क्वेश्चन है लेकिन नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बिल वाइज ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसको समझा समझा के बताऊंगा चौथा से, ठीक है, ये नहीं कि नोट्स की मदद से लगेंगे आगे आगे करने, तो भाव बैलेंस नहीं मैच करेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप आराम आराम से क्वेश्चन करिए, इत्मीनान से बराबर चलते रहेंगे, ठीक है, और डेली आना है, क्लास बंक हो जाएगा क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, आप ही जानते हैं, एक बार बताया गया तो हो गया, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।